नागपुर भारत के महाराष्ट्र राज्य में नाग नदी के किनारे स्थित महाराष्ट्र राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया या टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया जैसे नामों से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र और भारत का एक प्रमुख नगर है। इस नगर को हाल ही में देश के सबसे स्वच्छ व सुगंध शहर का इनाम मिला है। इसे भारत का दूसरे नंबर का ग्रीनेस्ट शहर माना जाता है। फ्रेंड, इस शहर की जड़ों में संस्कृति, इतिहास, परंपरा, अध्यात्म और प्रकृति की आमद गहराई धसी हुई है, जो कि गर्व का अनुभव करवाती है। इस शहर को देखने के बाद पता चलता है कि भारत देश के अतीत में नागपुर का वर्चस्व कायम था। नागपुर आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र राज्य का सबसे सुरक्षित और तकनीकी रूप से विकसित शहर बन गया है। फ्रेंड, पर्यटन की दृष्टि से इस शहर को महाराष्ट्र के अग्रणी शहरों में शुमार किया गया है। यहाँ बने अनेक मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें और झील यहाँ आने वाले सैलानियों के केंद्र में होते हैं। दोस्तों, यह नगर संतरों की खेती के लिए भी काफी मशहूर है, इसलिए नागपुर को ऑरेंज सिटी यानी संतरों की नगरी भी कहते हैं। नागपुर शहर का नाम नाग नदी के नाम पर रखा गया है। यह नदी नागपुर के पुराने हिस्से से गुजरती है तथा नागपुर को महाराष्ट्र की उपराजधानी होने का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि मुंबई और पुणे के बाद बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नागपुर की गिनती जल्द ही महानगरों में की जाएगी। फ्रेंड, नागपुर को महाराष्ट्र के स्मार्ट शहरों में से एक के रूप में प्रस्तावित किया गया है और यह शहर स्मार्ट सिटी परियोजना निष्पादन में भारत के शीर्ष 10 शहरों में से एक है। इसके अलावा नागपुर मध्य भारत का एक स्वास्थ्य केंद्र भी है, जो कि एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करता है, जो इसे आसपास के क्षेत्रों के लिए एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बनाते हैं। यह जिला कई अस्पतालों, क्लिनिकों और नर्सिंग होम से आच्छादित है, जो गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा केंद्र की देखभाल प्रदान करता है। दोस्तों, नागपुर भारत का 13वां विश्व का 114वां सबसे बड़ा शहर भी है, जो लगभग 9892 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और साल 2011 की जनगणना के अनुसार नागपुर की जनसंख्या लगभग 46 लाख के लगभग है और साक्षरता दर 89.52% है। यह शहर भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। यहाँ लगभग 60% आबादी हिंदू है, जबकि बौद्ध आबादी का 1/4 से अधिक हिस्सा बनाते हैं और मुस्लिम, ईसाई, जैन और सिख भी हैं। तथा इस शहर में बोली जाने वाली भाषा मराठी है और मराठी के अलावा हिंदी, अंग्रेजी भी बोली जाती है। दोस्तों, नागपुर को दीक्षा भूमि के लिए भी जाना जाता है, जिसे एक क्लास पर्यटन और तीर्थ स्थल का दर्जा दिया गया है, जो दुनिया के सभी बौद्ध स्तूपों में सबसे बड़ा खोखला स्तूप है। नागपुर शहर में विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले प्रमुख शिक्षा संस्थान भी हैं। यहाँ कई राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं। नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। फ्रेंड, अगर इतिहास पर नजर डाले तो पता चलता है कि नागपुर की स्थापना देवगढ़ के गोंड राजा भक्त बुलंद शाह ने 1703 ईस्वी में की थी तथा यह शहर 1960 तक मध्य भारत राज्य की राजधानी था। 1960 के बाद यहाँ की मराठी आबादी को देखते हुए इसे महाराष्ट्र के जिले के रूप में शामिल कर दिया गया तथा नागपुर नाम का पहला संदर्भ 10वीं शताब्दी के एक ताम्रप्लेट शिलालेख में मिलता है, जो पड़ोसी वर्धा जिले के देवली में खोजा गया था। फ्रेंड, यह शहर बैंकिंग क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शहर देश के सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है और इसलिए भारत की अधिकांश स्वर्ण संपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नागपुर शाखा में रखी जाती है। दोस्तों, नागपुर शहर के कई पहलू हैं जो इंगित करते हैं कि यह नगर व्यवसाय, शिक्षा, उद्योग, विनिर्माण और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वर्षों से यह शहर सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व का एक शहर रहा है। इसी कारण यह नगर भारत के सभी प्रमुख शहरों, परिवहन के सभी माध्यमों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और अच्छी तरह से सेवा प्रदान करता है, क्योंकि यह शहर देश के सभी मुख्य राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड, नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद जैसी राष्ट्रवादी संगठनों का एक प्रमुख केंद्र है। नागपुर शहर प्राकृतिक और कृत्रिम झीलों से युक्त है। यहाँ सबसे बड़ी झील है अंबाजरी झील और प्राकृतिक झीलों में गुरेवाड़ा झील और तेलनखेड़ी झील शामिल है। इसके साथ ही सोनेगांव और गांधी सागर झीलें कृत्रिम हैं, जो शहर के ऐतिहासिक शासकों द्वारा बनाई गई हैं। दोस्तों, नागपुर साल भर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी भी करता है। इसके अलावा इस शहर में कई सारी खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस भी मौजूद है, जैसे
दीक्षा भूमि स्तूप, रामटेक किला, ड्रैगन पैलेस मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, लता मंगेशकर म्यूजिकल गार्डन आदि कई सारे प्लेस मौजूद हैं, जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।